रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक लड़के ने एक लड़की को छत से नीचे फेंक दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक लड़के ने एक लड़की को छत से नीचे फेंक दिया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल मामला लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र का है और मृतक निधि गुप्ता परिवार सहित दुबग्गा की ही डूडा कॉलोनी में रहती थी। अरे रोड पे रखा। उसके पास के ब्लॉक नंबर 40 में रहने वाले सूफियान नाम के युवक से उसका प्रेम संबंध था। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले सूफियान ने उसे मोबाइल फोन दिया था। ये बात युवती के परिजनों को पता चली तो वो इसकी शिकायत करने सूफियान के घर पहुंचे तो दोनों परिवारों में बहस होने लगी। इसी बीच युवती छत पर चली गई तो उसके पीछे पीछे सूफियान भी छत पर गया और सूफियान ने मृतक निधि को छत से नीचे फेंक दिया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद से माहौल गरमाया हुआ है। तो वही निधि की मां का कहना है कि हत्यारा सूफियान उनकी बेटी निधि से जबरन शादी करने का दबाव उनके परिवार पर बना रहा था। उस लड़के ने ही धक्का दिया है शायद, हाँ उसी की वजह से वो मरी। उसी के हम लोग कंप्लेन करने गए थे, शिकायत करने गए थे, वो मेरे भाई को मारने की धमकी दे रहा था कि मैं मारेंगे। लड़की का वीडियो बता रहा था, वीडियो है, ये है, वो है, दुनिया भर की बातें कर रहा था। यही आगे एक लड़का रहता है सूफियान। सूफियान उसका धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह करना चाहता था। इसके लिए वो कई दिनों से दबाव बना रहा था, जबकि निधि इसका विरोध कर रही थी। तो वही घटना को लेकर ADCP ने बताया कि मृतका की मां की तहरीर पर सूफियान और उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना के बाद से आरोपी और उसके परिवार के लोग फरार है, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जो वादी पक्ष द्वारा तहरीर दी गई है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसमें वादी पक्ष द्वारा यही आरोप लगाया गया है कि धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा था, परंतु पुलिस द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है और सभी तथ्यों का गहनता से विश्लेषण करने के पश्चात ही इसमें अन्य कोई बात कही जा सकती। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर आक्रोशित लोगों ने निधि का शव रखकर IIM रोड पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी की और सड़क जाम कर दिया और लोग हत्यारे को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। तो उधर भारी संख्या में पुलिस परिवार वालों और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने में जुटी है। मृतका के परिवार वालों के प्राथमिक बयान के अनुसार जो समय मौके पर मौखिक बयान दिया था उसके आधार में आपको बता रहा हूँ, परंतु इन सभी बिंदुओं का संपूर्ण घटनाक्रम का विस्तार से विश्लेषण कर जांच की जाएगी और विवेचना को निस्तारित किया जाएगा। कई सारे बिंदु ऐसे जिनके बारे में मेरे स्तर से टिप्पणी इस विवेचना करके उपरांत ही की जा सकेगी। लेकिन आरोपी सूफियान अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस फरार आरोपी को कब तक पकड़ेगी और कब निधि के हत्यारे को सजा मिलेगी। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।